हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटी पर डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसी के ऊपर, जहां हम टोटल अब सीट पर बात करते हैं, क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहता है, इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आप लोगों को समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज तकरीबन 92 सीट पर आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर, और यहाँ आप देख सकते हैं स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ से निकल कर आया हुआ है ये रिक्रूटमेंट, और महाराष्ट्र स्टेट में इस्टेब्लिश्ड है जहाँ से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। नोटिफिकेशन जो है आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट को भी मेंशन किया हुआ है, www.srtmun.ac.in पर विजिट करके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इसका आपको PDF मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें केमिकल साइंस में 8 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, वहीं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंस में 2 सीटें हैं, कंप्यूटेशन साइंस में यहाँ पर 1 सीट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, अर्थ साइंस में 4 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल साइंस से पोस्ट मांगे गए हैं, 4 सीटें रखी गई हैं, जिनमें से फिजिकल एजुकेशन के जो कैंडिडेट रहेंगे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइन परफॉर्मिंग आर्ट में यहाँ आप देख सकते हैं कुल टोटल 6 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, जिसमें से 3 सीटें जो हैं वो म्यूज़िक में निकल कर आए हुए हैं, थिएटर एंड आर्ट के लिए 2 पोस्ट है, और फिल्म स्टडीज़ में यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है लाइफ साइंस का, और यहाँ पर जो सीटें निकल कर आई हुई हैं वो 12 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें 3 सीटें बायोटेक्नोलॉजी के लिए हैं, 3 सीटें यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के लिए हैं, 4 सीट यहाँ पर बॉटनी में निकल कर आया हुआ है, 4 सीट जियोलॉजी और एंटेमोलॉजी में मांगे जा रहे हैं, और 2 सीट यहाँ पर PGDMLT में निकल कर आया हुआ है, जिसमें जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से सीटें मांगे जाएंगे। इसमें जो भी आपका स्पेशलाइजेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मैथमेटिकल साइंस में यहाँ पर 2 सीटें हैं, स्टैटिक्स में स्पेशलाइजेशन मांगा जा रहा है, मीडिया स्टडीज़ में यहाँ पर 2 सीटें हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म में यहाँ पर 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। फार्मेसी के लिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में सीटें हैं, 17 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी और फार्मेकोनॉजी एंड क्वालिटी में यहाँ पर पोस्ट मांगे गए हैं, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल साइंस में 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, और फिजिक्स में यहाँ स्पेशलाइजेशन मेंशन किया गया है। सोशल साइंस में यहाँ पर तकरीबन 9 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसमें 5 सीट जो है सोशल वर्क के लिए है, 2 सीटें सोशियोलॉजी में, 1 सीट यहाँ पर ह्यूमन राइट में, 1 सीट यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए निकल कर आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सब कैंपस में यहाँ पर 7 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, माइक्रो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं मैनेजमेंट स्टडीज़ में रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें मार्केटिंग, रूरल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट से पोस्ट मांगे गए हैं, कॉमर्स से यहाँ पर पोस्ट मांगे गए हैं, और PGDBM में यहाँ पोस्ट निकल कर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सोशल साइंस से सीटें निकल कर आई हुई हैं, 5 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सोशल वर्क से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सोशियोलॉजी से स्पेशलाइजेशन है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सब कैंपस में यहाँ पर प्रभानी में पोस्ट मांगे गए हैं, जिसमें कुल टोटल 6 सीटें हैं, 2 सीटें कॉमर्स के लिए, 2 सीटें यहाँ पर सोशल वर्क में है, 1 सीट यहाँ पर डिप्लोमा इन साइबर लॉ में है, और 1 पोस्ट यहाँ पर डिप्लोमा इन GST के लिए निकल कर आया हुआ है। उसके बाद जो अगला रिक्रूटमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ लेट श्री उत्तम राव राठौड़ ट्रिबल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर से निकल कर आया हुआ है, जिसमें टोटल 5 सीटें हैं, 2 सीट यहाँ पर सोशल वर्क के लिए हैं, 1 पोस्ट यहाँ पर BSW के लिए, 2 सीट यहाँ पर BCA में मांगे जा रहे हैं।
टोटल यहाँ पर 92 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसमें ओपन कैटेगरीज़ के लिए 29 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। एससी कैटेगरीज़ में यहाँ पर 13 सीटें हैं, एसटी कैटेगरीज़ में 7 सीटें हैं, बीजे में 3 सीटें हैं, एनटी बी में यहाँ पर 3 सीट है, एनटी सी में, एनटी डी में 4 और 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, एसबीसी में यहाँ पर 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 19 सीटें हैं, SEBC में यहाँ पर 10 सीटें, EWS के लिए 10 सीटें हैं। और यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जिस डेट से आप लोगों का यहाँ ज्वाइनिंग होगा उसके 11 महीनों तक आप लोग यहाँ पर वर्क कर पाएंगे, 11 महीनों के लिए ही आपको हायर किया जाएगा। वहीं सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जिस भी पोस्ट पर आप अपॉइंट किए जाएंगे उसमें आपको 36,000 रुपये पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी सीट मांगी जा रही हैं सभी में सैलरी जो है 36,000 रुपये पर मंथ की रखी गई है। तो ये जो टेम्परेरी बेसिस पोस्ट है सैलरी यहाँ पर आपकी फ़िक्स रहेगी, इसको बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। जितनी सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई है वही सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इस पोस्ट पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें 55% मार्क्स के साथ आप लोगों का मास्टर्स होना ज़रूरी है, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किए हुए हैं आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मास्टर्स के साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन में आपके पास UGC या CSIR से आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या आपने सेट या फिर स्लेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आप लोगों के पास PhD आपकी कंप्लीट हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर्स के साथ इनमें से कोई एक भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जिन लोगों ने नेट और स्लेट क्वालिफाई किया हुआ है उनको यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपको एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इनके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इनके नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको तकरीबन 9 पेजों का नोटिफिकेशन है जिसमें आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दिए गए हैं। वहीं लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं 12 सितंबर 2024 का डेट रखा गया है। 12 सितंबर को आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, इसी वेबसाइट पर आप लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड डेट्स मिल जाएंगे, इंटरव्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लें। यहाँ इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे आएंगे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारी चीज़ें आपको अटैच कर लेना है। 2 कापीज़ आप लोगों को बना लेना है, 2 सेट यहाँ पर होंगे, एक ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं, जो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास हैं उसका, और एक जो आप लोगों के पास फोटो स्टेट रहेंगे। इंटरव्यू के डेट में आप लोगों को लेकर जाना होगा और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वेरीफिकेशन इसी डेट में करा लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।